रामायण पर वैसे तो ना जाने कितने सीरियल बने, लेकिन रामानंद सागर की रामायण ने ऐसा इतिहास रचा जो शायद कई दशकों तक तो लोग भूल नहीं पाएंगे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रामानंद सागर को खास तौर से रामायण के लिए ही जाना जाता है। 1986 से 1988 के बीच प्रसारित हुए इस सीरियल के एक्टर्स को लोग उनके असली नाम की जगह किरदार के नाम से ही जानने लगे। यह सीरियल इतना पॉपुलर था कि रामानंद सागर की रामायण का एक एक किरदार लोगों को आज भी याद है। रामायण के कुछ किरदार ऐसे भी थे जिनके बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सीताराम और लंकापति रावण कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल ने। उस दौर में अरुण गोविल को लोग भगवान राम समझ बैठते थे और वो जहाँ जाते थे उनके पैर छूने के लिए लोगों की लाइन लग जाती थी। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को आज भी सीता के रूप में लोग याद करते हैं। वैसे तो टीवी पर कई एक्ट्रेस ने सीता का किरदार निभाया, लेकिन दीपिका जैसा जादू किसी का नहीं चला। दारा सिंह ने रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का रोल निभाया था, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में रावण का रोल निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने बहुत ही लोकप्रियता बटोरी थी। इस रोल ने उन्हें इस कदर सफलता की बुलंदियों पर पहुँचाया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में रावण समझने लगे थे। और सुनील लहरी ने रामानंद सागर के रामायण में राम के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल किया था। और रामानंद सागर की रामायण में बाल धुरी ने भगवान राम के पिता और राजा दशरथ का किरदार निभाया था। अभिनेत्री जयश्री गड़कर ने रामायण में रानी कौशल्या का रोल निभाया था, हालांकि जयश्री अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों 90 के दशक में अपनी शानदार अदाकारी के जरिए सभी के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री पद्मा खन्ना को रामानंद सागर के सीरियल रामायण में कैकई के यादगार रोल के लिए जाना जाता है। वहीं रामायण में मंदोदरी की भूमिका प्रभा मिश्रा ने निभाई थी। इस सीरियल में मिले किरदार से उन्हें बहुत बड़ी पहचान मिली थी। मंदोदरी की भूमिका ने उनके जीवन को आध्यात्म का रास्ता दिखा दिया और इस तरह से राजयोग के जरिए वे ग्लैमर लाइफ से दूर होकर पूरी तरह से आध्यात्मिक बन गईं। दोस्तों यहां हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी रामानंद सागर की रामायण पसंद है और आप रामायण में विश्वास रखते हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।